तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। उद्देश्य जो है उत्तर अमेरिका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको। हाँ दोस्तों, त्रिनिदाद एंड टोबाको। तो दोस्तों चलिए, इस देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा त्रिनिदाद एंड टोबाको की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और क्या क्या व्यापार होता है, ये देश कब और कहाँ से स्वाधीन हुआ है, और ये देश का मौजूदा जो अपोजिशन लीडर है वो भारतीय वंश की है, और ये देश के सबसे बड़ा और प्रथम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब स्टार्ट हुआ है, और ये देश का पॉपुलर खेला का नाम क्या है। ये देश में बहुत सारा वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अलावा ये देश का जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर और प्रथम महिला प्रीम जो एक भारतीय वंश के है, और ये देश के अंदर इंडिया की बहुत सारा यहाँ पर हॉलीडे यहाँ पर पालन किया जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इंडिया के साथ क्या क्या और बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है ये देश के साथ, और इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ा हनुमान मंदिर स्थित है, कहाँ पर, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दुनिया के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है त्रिनिदाद एंड टोबाको, मैं आपको ये भी गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर फुल एचडी में दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो, आप कौन से देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण कैरेबियन राष्ट्र और उत्तर अमेरिका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 5.131 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 164 नंबर पे आ रहा है। अब ध्यान से देख लीजिए, आसपास पे बहुत सारा देश आपको नजर पे आ जाएंगे जो कैरेबियन सागर के अंदर स्थित है, और ये देश भी आपको नजर पे आ जाएंगे। देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी, जो उत्तर अटलांटिक महासागर के बिल्कुल तट पर स्थित है ये जगह, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और राजधानी की तरफ हम चलते हैं, राजधानी का नाम जो है पोर्ट ऑफ स्पेन। हाँ दोस्तों, त्रिनिदाद एंड टोबाको की जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन हम लिए चलते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पास चलेगा। और सबसे बड़ा शहर जो है सान फर्नांडो, सबसे बड़ा शहर, इसके अलावा सबसे बड़ा म्यूनिसिपलिटी स्थित है चागुआनास। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा म्यूनिसिपलिटी स्थित है चागुआनास, जहाँ पर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर भी स्थित है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ देश का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी और सबसे बड़ा पोर्ट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। कहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये देश के जो सरकारी दफ्तर कहाँ पर स्थित है ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। तो दोस्तों हाँ, देश का सबसे बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पर स्थित है वो दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है 1962 में 31 अगस्त ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है, और ये देश के जो आज के मौजूदा जो स्थिति में जो अपोजिशन लीडर है वो जो है एक भारतीय वंश के है, जो कमला प्रसाद विशेषार। तो दोस्तों एक समय देश के जो है राष्ट्रपति भी रह चुका है, और ये देश का 14 जगह पर जो है इलेक्शन होता है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफिस आपको नजर पे आ जाएंगे, देखा। और ये देश का प्रथम एयरपोर्ट शुरू हुआ है 8 जनवरी 1931। हाँ दोस्तों, क्रिकेट ये देश का प्राण है, उसके बाद जो है फुटबॉल, यहाँ की जो है स्टेडियम में इंडिया दोबारा जीता है। हाँ दोस्तों, दो बार जो है इस देश के अंदर इंडिया जीत के आया है, 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था 2006 में। और ये देश के अंदर जो है बहुत ही जीडीपी की अगर हम नज़र से देखें तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप जो है देश को बहुत ही यहाँ पर ताकत देता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये देश की अलग अलग जगह पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। ये देश का प्रथम प्राइम मिनिस्टर और ये देश का प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर, स्वाधीनता के बाद जो है प्रथम अपोजिशन और प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो भारतीय वंश की है, और ये देश के भारतीय की हर यहाँ पर उत्सव यहाँ पर पालन होता है। यहाँ पर दिवाली, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, इसके अलावा यहाँ पर जो है विजयादशमी, कृष्णा जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी, यहाँ पर जो है यहाँ पर सरस्वती पूजा, यहाँ पर जो है रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ईद, इस्लामिक न्यू ईयर, इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम हॉलीडे, यहाँ पर और भी जयंती यहाँ पर पालन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको नजर पे आ जाएंगे हिंदू संप्रदाय की एक आस्था यहाँ पर रहने वाला ये जो यहाँ एक शिव मंदिर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, भोलेनाथ के मंदिर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, हिंदू के लिए जो है ये बहुत बड़ा एक आस्था के स्थान है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक स्टैचू आपको नजर पे आ जाएंगे जो हनुमान की। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर, और ये जो है चागुआनास आपको नजर पे आ जाएंगे, ये जो है बहुत बड़ा म्यूनिसिपलिटी ये देश के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत हिंदी मूवी यहाँ पर जो है कह सकते हो पॉपुलर हुआ है, जो राजा हिंदुस्तानी, इसके अलावा इंडियन सॉन्ग जो है यहाँ पर बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ है। देश के अंदर जो है सिटीजन अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों
7.6%। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10 में से जो है 3 या 4 लोग जो है इंडियन है। यहाँ पर देख लीजिए जो स्टैचू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है हनुमान मंदिर की स्टैचू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश जो है और भारत भी जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है, इसके अलावा G77 के सदस्य है। 2010 में जो है ये देश के अंदर भारतीय कोई भी भारतीय जो है बिना वीजा के जो है 90 दिन तक यहाँ पर रह सकता है। 2010 से यहाँ पर जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों चलिए अलग अलग जगह मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ ये देश का अलग अलग जगह। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश का दूसरा जो आइसलैंड है, जो टोबाको आइसलैंड। हाँ दोस्तों, ये जो है त्रिनिदाद आइसलैंड और ये देश का द्वितीय सबसे बड़ा आइसलैंड जो टोबाको आइसलैंड, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों भारत के साथ जो है बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है। 1985 में जो है कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट हुआ है। 1987 में जो है कल्चर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। 1999 में जो है डबल टैक्स्ट अवॉइड एग्रीमेंट हुआ है। 2003 में जो है फरवरी में जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ है। ये देश के द्वितीय सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पास चलेगा जो टोबाको आइसलैंड के अंदर मौजूद है, जो त्रिनिदाद एंड टोबाको की द्वितीय सबसे बड़ा आइसलैंड। तो दोस्तों हाँ, 2007 में जो है बिलेटरियल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हुआ है, जो BIPPA एग्रीमेंट हुआ है। और ये देश के अंदर बहुत भारतीय कंपनी मौजूद है जो ये देश में काम करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है टोबाको आइसलैंड में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और भारतीय बहुत पर्यटक इस देश में जो है घूमने जाता है और हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश इंडिया को समर्थन करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा त्रिनिदाद एंड टोबाको की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, देश का जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश का जो है जो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन और ये देश का सबसे बड़ा शहर जो सान फर्नांडो और सबसे बड़ा म्यूनिसिपलिटी जो चागुआनाश और ये देश का भाषा की बात करते हो इंग्लिश, इसके अलावा हिंदी, भोजपुरी और हिंदी उर्दू भी यहाँ पर बोली जाती है। धर्म की बात करते हो यहाँ पर क्रिश्चियन जो 63.2% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और हिंदू जो रहता है 20.4%, इस्लाम जो रहता है 5.6%। और ये देश का जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है क्रिस्टीन कांगलू और ये देश का जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है कीत रोली और इस देश की जो है हाउस स्पीकर इसका नाम जो है ब्रिज क्रिट एनिस्टेज जॉर्ज और ये देश का जो है सीनेट प्रेसिडेंट उसका नाम जो है निकल दे फ्रिस्टास और चीफ जस्टिस उसका नाम जो है आइवर आर्ची और अपोजिशन लीडर उसका नाम जो है कामला पार्षद विशेषार। तो दोस्तों ये जो है एक भारतीय वंशधर की है और ये देश यूनाइटेड किंगडम से स्वाधीन हुआ है। कब स्वाधीन हुआ है यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये देश की अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। इसके अलावा ये देश की जो पानी की बात करें तो 0%, इंडिया पर जो है 9% से ज़्यादा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए GDP यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो करेंसी जो TTD ये देश की जो है करेंसी। और ये देश की जो ड्राइविंग शेड लिफ्ट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +1868 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और त्रिनिदाद एंड टोबाको की जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों हाँ 15,34,000 और यहाँ पर इंडियन जो पॉपुलेशन 5,57,000। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा त्रिनिदाद एंड टोबाको की दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है और इंडिया और त्रिनिदाद एंड टोबाको कहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ग्लोबल मैप की मदद से त्रिनिदाद एंड टोबाको दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है और इंडिया और ये देश कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश का राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और राजधानी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश का बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जो पोर्ट सिटी है वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश को जो सुरक्षा देता है ये देश की जो है कोस्ट गार्ड। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो ये देश की कह सकते हो नेवी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो नेवी की जो है यहाँ पर जो लोगो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, त्रिनिदाद एंड टोबाको की जो कोस्ट गार्ड मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ और ये देश का पहला जो नेशनल फ्लैग था मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और ये देश का जो बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है एयरलाइंस की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादातर जो है कैरिबियन एयरलाइंस जो यहाँ पर चलता है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हालांकि देश के अंदर भी जो है एक एयरलाइंस मौजूद है, हालांकि उतनी पॉपुलर नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये देश में जो है बहुत सारा ऐसा आदिवासी संप्रदाय के इंसान यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो है मौजूदा सरकार में स्थित है, बहुत सारा सरकारी दफ्तर में स्थित है जो इंसान, इसके इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हाउस स्पीकर है, जो सीनेट प्रेसिडेंट है, जो चीफ जस्टिस आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये जो है ये देश के ऑपोजिशन लीडर जो
एक भारतीय वंश के इंसान है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, देश के पॉपुलर डिश ओपी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। जनप्रिय इस देश की जो है एक पॉपुलर स्टार, इसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश के जो है कल्चर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश के जो है नेशनल जो फ्लावर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और इसके अलावा ये देश का जो है 14 जगह पर जो है यहाँ पर इलेक्शन होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश के साथ रिश्ता जो जो देश के साथ अच्छा है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश यहाँ पर शापित है उस देश के साथ ये देश का उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के कौन कौन सी जगह और कौन कौन सा आइसलैंड है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। दो सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश के अंदर मौजूद है, जो त्रिनिदाद एयरलाइंस यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे, और टोबाको आपको नजर पे आ जाएंगे, जो टोबाको आइसलैंड के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के जो चीफ जस्टिस और हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज आपको नजर पे आ जाएंगे, और ये देश के दूतावास और हमारे की दूतावास आपको नजर पे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, दोनों देश की राजधानी के अंदर जो है दोनों देश के दूतावास मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अंदर जो है हिंदू मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर हिंदू संप्रदाय की आस्था यहाँ पर टिका रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत बड़ा हिंदू मंदिर की यहाँ पर हनुमान मंदिर आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये जो है ये देश का एक हिंदू मंदिर जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है दिवाली नगर भी मौजूद है इस देश के अंदर एक जगह, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी मंदिर स्थित है जहाँ पर हर उत्सव यहाँ पर पालन किया जाता है जो हिंदू संप्रदाय के इंसान यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, जो उत्तर अमेरिका के एक स्वाधीन देश और दक्षिण कैरिबियन राष्ट्र देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको के संपर्कित सब कुछ। और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन सबको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। अब कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर अपना रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।